अभी आप वही बात सोच रही हैं अक्षरा, भूल जाइए उस बात को। कोशिश कर रही हूँ नैतिक, पर हाथ दिमाग से जा ही नहीं रही। आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? अक्षरा, आपने क्या किया? गलती तो करिश्मा की है और उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। अगर इतना सोचेंगे ना तो फिर आपको एसिडिटी हो जाएगी और फिर सर दुखने लगेगा। और जहां तक बात करिश्मा की, अक्षरा, उसे अपनी गलतियों से सीखने दीजिए। उसे भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। वही तो मैं उसे बताना चाह रही थी नैतिक, कि नौकरी मिलना, जॉब मिलना आसान है, मुश्किल नहीं है, पर उसे संभाले रखना मुश्किल है। और अगर उसने अपनी आदत नहीं बदली ना नैतिक, तो वो हर जगह यही प्रॉब्लम फेस करेगी। आज तक बहुत आराम से काम कर रही थी ना वो, अब उसे पता चलेगा जब नौकरी ढूंढने जाएगी कि क्या खोया उसने और क्या पाया। नैतिक, फिर भी मुझे डर है कि कहीं इस वजह से हमारे दोनों परिवारों के बीच कोई तनाव ना आ जाए। अक्षरा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे बड़े जो है ना, ऐसी छोटी-छोटी बात का असर अपने रिश्तों पे कभी नहीं पड़ने देंगे। पता नहीं, मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा है, बहुत बेचैनी सी हो रही है। पता नहीं क्या। अरे अक्षरा, आप भी ना अपनी बातों में उलझा के ना, आप हमेशा ऐसा ही करती है। इंसान भूल ही जाता है कि उसे क्या कहना है। अरे मैं आपको ना छोटू बेबी की वीडियो दिखाने आया था, बहुत क्यूट वीडियोस है। अच्छा, दिखाइए ना। हाँ दिखाता हूँ ना, देखिए। सोशलाइजिंग बेब, इतनी टेंशन मत लो, जो हो गया सो हो गया, एंड इन फैक्ट अच्छा ही है ना, एटलीस्ट नाउ यू कैन मूव ऑन। या नमन, लाइक इट्स अ केक वॉक, राइट? अगर मुझे मूव ऑन करना होता, ये जॉब मैं छोड़ती, मुझे निकाला नहीं जाता। पर वैसे भी कहना बहुत इजी है, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, बट उसे इंप्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल नमन, स्पेशली व्हेन यू नो जब आपने ना 100% दिया हो। अच्छा छोड़ो ना, फॉरगेट इट, आओ मेरे पास आओ। नमन स्टॉप इट, मुझे बहुत काम है, प्लीज तुम जाओ। अब इस वक्त कौन सा काम, और अब तो तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है। नहीं है, इसीलिए अपना रिज्यूमे फ्लोट कर रही हूँ। तुम सो जाओ नमन, मुझे नींद नहीं आ रही है। Come on, करिश्मा, इस बात को इतना बड़ा इशू मत बनाओ। And it's not like कि जॉब गई तो लाइफ खत्म हो गई। अरे एक जॉब गई है तो दूसरी आ जाएगी। तुम नहीं समझोगे नमन, क्योंकि तुम्हारे साथ नहीं हुआ है ना। और नमन, तुम जिस भाभी के इतना गुणगान गाते हो ना, उन्हीं की फैमिली ने मुझे इंसल्ट करके इस जॉब से निकाला है, और उन्हें कुछ कहने के बजाय तुम मुझे समझा रहे हो। इससे तो बेटर होता तुम चुप रहते इस मैटर में, कुछ बोलते ही नहीं इस मामले में। ओके, कूल देन, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ना इस मामले में और ना ही किसी और मामले में। लेकिन हाँ, बाद में ये मत बोलना दैट आई डिडंट बॉदर। थैंक्स फॉर योर कंसर्न नमन, अब मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। इफ यू प्लीज लीव मी अलोन। ये बात पूरे घर की परेशानी का कारण ना बन जाए। छोटी माँ, आप इस वक्त यहाँ? मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही होंगी। फिर भी तुम चुप हो ना, तुम चाहो तो कोशिश कर सकती हो, मेरे या करिश्मा के लिए नहीं, इस घर की शांति के लिए। तुम कोशिश करोगी तो सब पहले जैसा ठीक हो सकता है। सब कुछ ठीक करने के लिए सिर्फ मेरी कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, हर किसी को कोशिश करनी पड़ेगी, तभी सब ठीक होगा छोटी माँ। पर तुम शुरू तो करो। मैं अपने तरीके से शुरू कर चुकी हूँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे आप सोच रही हैं वैसे नहीं। कभी कभी हमारी मंजिल तो एक ही होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते हमारे अलग अलग होते हैं। तुम्हें लगता है इस तरह करिश्मा को सजा देके हम उसे सुधार सकते हैं? तो मैं करिश्मा को कोई सजा नहीं देना चाहती हूँ छोटी माँ। हाँ ये जरूर है कि मैं उसे एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वो जो कर रही है वो ठीक नहीं है। आप ही कहती है ना छोटी माँ कि हमेशा मीठी गोली काम नहीं करती है, कभी कभी हमें कड़वी दवाई भी देना जरूरी होता है, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। पता नहीं अक्षर, मुझे तो ये जिद लगती है, और इसका असर पूरे घर पे होगा। अभी अभी मैं नमन और करिश्मा के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, ये झगड़ा उनके कमरे तक पहुंच चुका है अक्षरा। अब वो कमरे के बाहर आएगा, इस घर में आएगा। नई नई शादी है उन दोनों की, अभी से इस तरह झगड़ा करेंगे तो आगे जाके क्या होगा? छोटी माँ, ऐसे कैसे दोष दे रही हैं आप अक्षरा को, जबकि सबका कारण आपकी बहू करिश्मा है।
मेरी बहू? क्या करिश्मा, मैं, हम इस घर का, इस परिवार का हिस्सा नहीं है? जो तुमने कह दिया करिश्मा बस मेरी बहू है, तो क्या अक्षरा इस परिवार का हिस्सा नहीं है? सॉरी छोटी माँ, लेकिन जिस तरह से आप अक्षरा से बात कर रही थी, उसे तो यही लग रहा था करिश्मा और अक्षरा दोनों आपके लिए अलग अलग है। मुझे लगता है शायद मेरे जवाब से आपको पता चल गया होगा कि कैसा महसूस होता है जब अपने अपनों में फर्क करना शुरू कर देते हैं। कम से कम आपको तो इस बात का एहसास होना चाहिए था ना छोटी माँ, कि अगर इस तरह की बात का नमन और करिश्मा की शादी पर असर पड़ सकता है, तो अक्षरा और आने वाले बच्चे की सेहत पर भी गलत असर तो पड़ ही सकता है ना। सॉरी नैतिक, तुम सही कह रहे हो। एक मिनट के लिए सचमुच मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। मैं बच्चे को मुझसे दूर नहीं रख सकती माँ, उसे मुझे दीजिए। मैं क्या कर सकती और क्या नहीं ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़े दिनों के लिए बच्चे को तुमसे दूर रखूंगी। मम्मा मम्मा, क्या हुआ आपको? बुआ को क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं हुआ नक्श, आप अपने कमरे में जाओ और यश को साथ लेकर जाओ। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे उसे दूर नहीं कर सकती। नंदनी, मैं कहता हूँ आप प्लीज शांत हो जाइए, आपका बेबी मैं अभी आपको लाके देता हूँ। मैं बच्चा नहीं दूंगी मोहित, सुना नहीं तुमने? क्यों माँ, ये क्या जबरदस्ती है? मुझे यूं आंखें मत दिखा, अपनी पत्नी को संभाल और समझा उसे। बच्चे के भलाई के लिए थोड़े दिनों के लिए बच्चा मैं उसे दूर रखने वाली हूँ। क्यों माँ? मोहित, माँ ऐसे क्यों कह रही? क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं हुआ है नंदनी, आप बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया है। डॉक्टर ने क्या कहा था, क्या हुआ इसे? माँ प्लीज चुप हो जाइए। नहीं मोहित, आप प्लीज मुझे साफ साफ बताइए क्या हुआ है मुझे। कुछ नहीं हुआ है दीदी, डिलीवरी के बाद जो वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना बॉडी में, बस वही है और कुछ नहीं है, यही कहा था डॉक्टर ने। क्यों रश्मि? हाँ मेरे साथ भी हुआ था दीदी, मुझे इतनी ज्यादा नींद आती थी, वीकनेस फील होती थी और हमेशा ये चिंता लगी रहती थी कि मेरे बच्चे का ध्यान अच्छे से रखा जा रहा है, उसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे हम कि नहीं, और कुछ नहीं है ना। हाँ दीदी, हर माँ के साथ ऐसा होता है। आपको याद है नक्श और यश के भी हाथ धुलवाती रहती थी मैं कि बेबी के पास आना है तो हैंड वॉश करके आइए। हाँ दीदी, और कुछ नहीं है, आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए मैं आपका बेबी लेकर आऊंगी आपके पास, तब तक आप आराम कीजिए। आप आइए भाभी माँ, आप दीदी को देखिए, मैं अभी आती हूँ। माँ आप कुछ भी बोलने के पहले सोचती नहीं है ना एक बार भी? अरे एक माँ को उसके बेटे से दूर करके आपको क्या खुशी मिल रही है? आप खुद भी तो एक माँ है ना। माँ हूँ इसलिए बच्चे की कदर जानती हूँ, तू नहीं समझेगा। पहले जाके बहू की दिमागी हालत ठीक कर ले। माँ बस, मैं नंदनी के खिलाफ ना एक शब्द और नहीं सुनूंगा, और वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होने। अरे वाह, ये अच्छी बात है, जिस माँ ने दुख झेल झेल के पाला पोसा उसी को आंखें दिखा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। बीवी और बच्चा आने के बाद माँ पराई हो गई। आप ये हर बात का उल्टा सीधा मतलब क्यों निकालती हैं? मैं उल्टा मतलब नहीं निकाल रही हूँ, तुम लोग निकाल रहे हो। मैं बच्चे को उसकी माँ से दूर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इसी में इसकी भलाई है। आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। देखिए ऐसे झगड़ा करने से, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे किसी से बहस नहीं करनी है, तुम इसे समझाना। मोहित प्लीज तू शांत हो जा और कमरे में जा, मैं आता हूँ। आंटी और आप भी आराम कीजिए, आप थक गई होंगी। बेबी को मुझे दे दीजिए, मैं दीदी के पास ले जाती हूँ। अब क्या होगा अक्षरा बेटा? रुक्मिणी बहन तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, अब बेबी को कैसे लाएंगे उनसे? अक्षरा हमें कुछ तो करना ही होगा, बिना बच्चे के नंदिनी की हालत और खराब हो सकती है। काश यही बात रुक्मिणी आंटी भी समझ पाती कि नन्नी दीदी बच्चे के लिए खतरा नहीं है, बल्कि बच्चा ही है जो दीदी की हालत में सुधार ला सकता है। इस वक्त दीदी को हमारे प्यार, हमारे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। Thank you.
हेलो बच्चों, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, पहले आप ये बताइए कि नीचे दादी और मम्मा झगड़ा क्यों कर रहे थे? मम्मा कभी किसी से झगड़ा नहीं करती है, तो आज दादी से क्यों? हाँ मम्मा, बताइए ना बुआ को क्या हुआ है? यश की दादी भी कह रही थी कि बुआ को कुछ हो गया है। बेटा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बुआ की ना, और कुछ नहीं, हमारी भी तबीयत ठीक नहीं होती है तो हम कैसे हो जाते हैं? चिड़कू, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है जब मुझे बुखार होता है। मम्मा को बुखार हुआ है? हाँ बेटा। तभी वो बेबी मम्मा को नहीं दे रही थी ना, जिससे बेबी को इन्फेक्शन ना हो जाए। हाँ बेटा हाँ। तो मम्मा ये बात क्यों नहीं समझ रही? समझ जाएंगी बेटा, हम है ना, हम समझाएंगे। तो फिर अब बुआ कैसे ठीक होंगी? मम्मा ठीक हो जाएंगी नक्श, हमारी प्रेयर से, हमारे प्यार से। तो फिर मैं अभी भगवान जी से प्रे करता हूँ कि वो जल्दी से मेरी मम्मा को ठीक कर दे। हाँ बेटा, भगवान जी जरूर ठीक करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप दोनों सो जाओ यही हमारे पास। ओके ओके। बच्चों को तो किसी तरह समझा दिया नैतिक, पर पता नहीं हम लोग ये सब ठीक कर भी पाएंगे या नहीं। सब ठीक हो जाएगा अक्षरा, मुझे पूरा यकीन है। जिस तरह एक एक करके ये परेशानियां हमारे सामने आ रही है ना, वैसे एक एक करके ये दूर भी हो जाएंगी। चाची, आप लैपटॉप पे कौन सा गेम खेल रही हो? गेम तो मेरे साथ खेला गया नक्श, मैं तो ऑनलाइन जॉब्स ढूंढ रही हूँ। वाह, न्यू जॉब किस होटल में? कोई 5 स्टार या 7 स्टार होटल में। अब जैसे कि ये वाला देखो, अच्छा है ना? वाह, कितना बिग और कितना सुंदर है, क्या नाम है इसका? सिटी पैलेस। और देखना, मैं यहीं अप्लाई करूंगी और जॉब मिलेगी ही मिलेगी। नहीं मिलेगी करिश्मा। और प्लीज वहां पे अप्लाई भी मत करना, क्योंकि वो 2 साल पहले बंद हो चुका है। थैंक्स फॉर योर कंसर्न भाभी, वैसे मैं जब ऑनलाइन सर्च करती तो मुझे पता चल ही जाता। मैं जानती हूँ तुम्हें पता था करिश्मा, लेकिन मुझे पता था इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। और वैसे भी मुझे लगता है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपको क्या लगता है भाभी, मुझे अपने काम की समझ नहीं है? करिश्मा, अक्षरा ने ऐसा नहीं कहा, वो तो बस ये कह रही है कि जो भी काम करो सोच समझ के करो। देवयानी बहन, आपके पास कोई दवाई है? बदन में जरा सी हरारत है ना, इसलिए। तो आंटी जी, आप बेबी मुझे दे दीजिए, आप आराम कीजिए। नहीं नहीं अक्षरा, बस जरा सा सिर दुख रहा है और बुखार सा लग रहा है, और कुछ नहीं, दवाई ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। पर फिर भी आंटी जी, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए ना, आप अच्छे से दवाई खाइए, आराम कीजिए, बेबी मुझे दे दीजिए, लाइए। नहीं अक्षय, लाइए दीजिए मुझे, कहीं बेबी को इन्फेक्शन ना हो जाए। आराम कीजिए आप। वर्षा, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही है? हाँ, मैं सोच रही थी कि हम औरतों के दिमाग में एक साथ कितनी सारी चीजें चलती रहती है ना, ऐसे में कोई गलती होना बड़ी बात तो नहीं है। मैं और जसमीत एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, ऐसे में अगर बिजनेस के मामले में घर पे या फिर घर के मामले में बिजनेस में कोई गड़बड़ हो गई तो हर कोई अक्षरा की तरह हर चीज में कुशल तो नहीं हो सकता ना, ये सब संभाल ले। देख बेटा, जो गलती करिश्मा ने की वो उतना बड़ा कारण नहीं था उसे नौकरी से निकालने का, जितना कि ये कि ना तो उसे अपनी गलती का एहसास था और ना ही वो उसे समझना चाहती थी। अगर अपनी गलती को समझ के स्वीकार करके उसे सुधारने की कोशिश की जाए ना, तो वो गलती उतनी बड़ी गलती नहीं रहती और धीरे धीरे सब उसे भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन गलती करके उसे ना तो स्वीकार करो और दूसरे के सर पर मरने की कोशिश करो, वो बहुत गलत है।
समझ रही है ना? चल अब तू इस बारे में इतना मत सोच, चल उठ उठ उठ, अच्छी सी चाय बना के ला मेरे और अपने लिए। Send us your last works reference. लास्ट जॉब वाले तो अच्छी रिपोर्ट बनाएंगे नहीं, और मैं मांगूंगी भी कैसे? लाइए भाभी वाभी बेबी मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं समदन जी, मेरा पोता दे दीजिए ना मुझे, काफी देर से उसे गोद में नहीं उठाया मैंने। नहीं नहीं आंटी, ये भी थोड़ी देर लेने दीजिए ना हाथ में, ज्यादातर वक्त तो आपके हाथ में ही होता है। नहीं नहीं नैतिक, तुम्हारे बाद मैं लूंगी। हाँ हाँ हाँ, अरे कमाल करते हैं आप लोग भी, मेरा पोता है मुझे ही नहीं मिल रहा है। अक्षरा मुझे दे दो मेरा पोता। अरे पर आंटी जी, आप कैसे ले सकती हैं? आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, कमजोरी भी है, तो फिर ऐसे में अगर आपने बेबी को गलती से गिरा दिया या फिर कोई और गड़बड़ हो गई तो? कैसी बात कर रही हो अक्षरा, अगर थोड़ी सी बीमार हो गई तो क्या एक बच्चे को नहीं संभाल सकती मैं? अरे मैं अधमरी भी हो जाऊंगी ना तो भी अपने पोते को कुछ नहीं होने दूंगी, दादी हूँ उसकी मैं। तो दीदी तो माँ है ना आंटी जी, क्या वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगी? सिर्फ कुछ पलों के लिए बच्चा आपसे दूर हो गया तो आप कैसे बेचैन हो गई? और आपने तो कब से दीदी से दूर रखा है उसे, सोचिए उन्हें कैसा लग रहा होगा, क्या बीत रही होगी उन पर। अपना बच्चा आंखों के सामने होकर भी वो उसे उठा नहीं सकती, सीने से नहीं लगा सकती, उन्हें कैसा लग रहा होगा। मैं मानती हूँ, हम सब मानते हैं कि दीदी बीमार है, लेकिन इतनी भी बीमार नहीं है आंटी जी कि वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी ना उठा सके। डॉक्टर भी यही कह के गई है कि अगर बच्चा उनकी बीमारी का कारण है तो इलाज भी वही है, और आप उसी को दूर कर रही हैं दीदी से, तो फिर दीदी कैसे ठीक होंगे आंटी? बहू आओ, बहू यहां बैठो। माँ, अपनी माँ को ढूंढ रहा था कब से। वन सेकेंड, अक्षरा दी ने कमाल कर दिया। हाँ अक्षरा भाभी तो है ही ग्रेट ना, सब प्रॉब्लम्स का सलूशन है उनके पास, और घर वालों के पास इन रिटर्न उन्हें देने के लिए गोल्ड स्टार्स। समधन जी, मैं सोच रही थी कि शाम को पंडित जी को बुलाते हैं और नामकरण कर देते हैं। जी जरूर रुक्मिणी बहन, मैं अभी फोन करती हूँ पंडित जी को। मैं भी राजश्री बहन को फोन कर लेती हूँ। देवयानी बहन फोन कर रही है, कहीं करिश्मा को लेकर तो। राधे कृष्ण देवयानी बहन। राधे कृष्ण राश्री बहन, कैसी हैं आप? जी सब कुशल मंगल है जी। वो नंदिनी के बेटे का नामकरण है तो आप सबको निमंत्रण है जी। वो आप देखिए तो... राश्री बहन, मैं जानती हूँ स्थितियां सदा की तरह नहीं है, पर अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो मनमुटाव कैसे दूर होगा? आप सब लोग आइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी मैं जरूर आती देवयानी बहन, लेकिन मुझे लगता है अभी ना आना ही बेहतर होगा। वो क्या है कि बात अभी गर्म है और जी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, पर आते तो हमें खुशी होती। आप इस परिवार का हिस्सा है राश्री बहन। इतना मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहूं अभी जब आपका फोन आया तो मुझे लगा कि करिश्मा वाली बात के लिए किया होगा। वो क्या है कि इंसान का दिमाग भी ना हमेशा उसमें एक गलत बात ही पहले आती है। बिल्कुल सही कहा, मैंने भी तो कल बिना कुछ सोचे समझे आपको ही गलत मान लिया। मुझे भी
क्षमा कर दीजिए देवयानी बहन। नहीं नहीं राशि बहन, मेरा भी तो माफी मांगना बनता है। बच्चों के झगड़े में हम बड़ों ने भी सुध-बुध खो दी। चलिए कोशिश करेंगे फिर कभी ऐसा ना हो। बच्चों या परिवारों के बीच में चाहे कोई भी बात हो, उसका असर हमारे रिश्तों पर कभी नहीं पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। करिश्मा, अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा नाम है तो तुम भी सजेस्ट कर दो। नो थैंक्स नमन, क्योंकि फाइनल तो वही होगा ना जो अक्षरा भाभी चाहती है। वाओ, बेबी का नाम रखेंगे। मैं तो कब से वेट कर रहा था, मैंने तो लिस्ट बना के रखी है पर वो मेरे घर पे ही है। तो कोई बात नहीं, हम न्यू बना लेते हैं। आ चल चल। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।